एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं सीमा मेहता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। मैं आपके सामने लेकर आई हूं अंडार्म्स, ब्लैक अंडार्म्स किस तरह से वाइट कर सकते हैं, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे फ्रेंड, और काफ़ी लोगों ने यूज़ किया और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। आप लोग भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रिजल्ट कैसे रहे। आज मैं आपके सामने लेकर आई, मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम बाल बहुत झड़ते हैं तो बालों के लिए क्या करें। आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, अभी लॉकडाउन है फ्रेंड, बाहर मार्केट से मटेरियल नहीं आ पा रहा है, कॉस्मेटिक का काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि घर पर आप किस तरह से घर की चीज़ों से अपने बालों को मजबूत कर सकते हैं फ्रेंड। ओनली आप 2 मंथ्स लगाएंगे और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उससे बाल आपके काफ़ी मजबूत हो जाएंगे जो आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं दे पाते हैं। ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने से भी बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं, हमेशा याद रखिए। जितना आप कॉस्मेटिक चीज़ यूज़ करोगे उतना आपके बालों की जड़ें कमज़ोर होंगी। जितना हो सके आप शैम्पू कम यूज़ करें। बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि हम तो शैम्पू रोज़ यूज़ करते हैं। अच्छी बात है, आप रोज़ शैम्पू यूज़ करते हैं, लेकिन उनके बालों की जड़ें कमज़ोर रहती हैं फ्रेंड। हमेशा ध्यान रखिए, बालों को अगर आपको मजबूत रखना है तो आपको 7 दिन में 1 दिन ऑयल मसाज ज़रूर करना है। मैं आपको बता दूंगी ऑयल मसाज किस तरह से करनी है, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें बता दूंगी बालों की मसाज आपको किस तरह से लेनी है प्रेशर पॉइंट के साथ, जिससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी। यानी कि आपको 7 दिन में 1 दिन बालों में तेल ज़रूर डालना चाहिए, इससे आपका माइंड तो ठीक रहता ही है फ्रेंड, उसके अलावा आपके बालों में शाइन भी आती है और बालों की जड़ें मजबूत भी होती है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि और आप क्या कर सकते हैं बालों को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। उसके पहले, वीडियो स्टार्ट करने के पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ फ्रेंड रेड ऑनियन, रेड कलर का लीजिए आप, वाइट वाला नहीं लीजिए, रेड कलर का ऑनियन लीजिए, ठीक है। एक बाउल ले लीजिए, ठीक है। मैंने रेड ऑनियन ले लिया है, ठीक है। ये मैंने ऑनियन को किस लिया है, और फ्रेंड आप इसको एक कॉटन के रुमाल में से आप इसको छान लेंगे, अच्छे से छान लिया है, और ये देखिए ऑनियन का जूस निकल आया है। अब आपको इसमें किस तरह से लगाना है, इसको आपको जहाँ आपको अपने बालों में बहुत अच्छे से मसाज लेनी है फ्रेंड, सारे बालों में आपको बहुत अच्छे से मसाज लेनी है। बहुत पंखे के नीचे या कूलर के सामने बैठेंगे फ्रेंड तो इतना अच्छा लगता है, बहुत जो प्याज का रस होता है काफ़ी ठंडक देता है, लेकिन स्मेल काफ़ी तीखी आती है फ्रेंड प्याज की, नोज बंद हो जाती है, खुल जाती है, कुछ आइडिया नहीं रहता, बहुत तीखी स्मेल आती है। तो मैंने कम से कम इसको 10 से 15 मिनट में अच्छे से जड़ों में लगा लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब अच्छे से पीछे तक लग जाए, पीछे आपको क्या करना है, पीछे अच्छे से आपको रस लेना है और अपने अंगूठों की सहायता से आपको इस तरह से गोल 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 अंगूठों से मसाज लेनी है कान के पीछे तक फ्रेंड, बहुत अच्छे तरीके से। जब आपके बहुत अच्छे से ऑनियन का जूस लग जाए फ्रेंड, काफ़ी तीखा होता है, अगर आप इसको गर्मी में बैठकर लगाओगे बिना फैन के तो बहुत गर्मी करता है ये, तो जितना हो सके आप इसको थोड़े से ठंडक में बैठकर लगाइए, कूलर वगैरह के सामने लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा पसीने वाली जगह पर आप नहीं लगाइए,
ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है फ्रेंड, तो थोड़ा सा आँखों में भी बहुत चुभता है प्याज का रस, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी मैंने प्याज का रस लगाया लेकिन मेरी आईज़ देखिए आप रेड हो गई है, पंखा चल रहा है, तो मैंने बहुत अच्छे से मसाज कर लिया है। अब आपको अच्छे से कॉम करना है फ्रेंड और जूड़ा बना लेना है। होगा आपके साथ भी ऐसा, जब आप प्याज का रस लगाओगे तो आपके आईज और नोज में पूरा स्मेल घुस जाएगा एकदम, जैसे मेरा अभी घुस गया है और मैंने जोड़ में बहुत अच्छे से लगा लिया है। आप इसको कम से कम 2 घंटे तक लगाकर आपको बैठना है, उसके बाद आपको ठंडे पानी से वॉश कर लेना फ्रेंड। आप इसको रेगुलर 2 महीने तक लगाकर देखिए, आप सोचोगे नहीं इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे फ्रेंड। एक तो आपके बालों में जो वाइटनेस जल्दी आ जाती है, एक एज होती है उसमें आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक एज के जल्दी से वाइट बाल आ जाते हैं, वो प्रॉब्लम काफ़ी कंट्रोल होती है इससे, रेड ऑनियन से। और उसके अलावा फ्रेंड आपकी जो बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। तो आपको सही तरीका क्या है, अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से रात को बहुत अच्छे से आपको ऑयल मसाज लेनी है, ठीक है, और आपको सुबह मॉर्निंग में उसको वॉश कर लेना है। और आपको सेकेंड नाइट, जिस दिन आप वॉश करोगे आपको सेकेंड नाइट प्याज का रस लगाना है बहुत अच्छे से, एकदम आपके बाल गीले हो जाने चाहिए, ठीक है। इतना अच्छे से प्याज के रस से आपको मसाज करनी है, उसके बाद आप 2 घंटे के बाद वॉश कीजिए, या आप अगर नाइट को लगाते हैं तो आप मॉर्निंग में वॉश कीजिए, और आप देखोगे, मैं विश्वास करो आपकी, अगर आप 1 मंथ भी लगा ले तो हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है आपको, बहुत रेगुलर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि रिजल्ट आपको एक हफ्ते में 2 बार लगाओगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे फ्रेंड। मेरे बाल काफ़ी मजबूत है, छोटे हैं लेकिन काफ़ी मजबूत है, शाइन भी अच्छी है। सब लोग बोलते हैं मैम इस एज में आपके बाल कुछ झड़ते नहीं है, तो यही कारण है फ्रेंड, मैं रेगुलर प्याज का रस यूज़ करती हूँ, और थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, आईज में प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा आंसू निकलते हैं मेरे, तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि प्रॉब्लम तो होती है लेकिन आपके बालों को बहुत बहुत अच्छे से प्रॉपर ज़रूरत होती है जो आपके बालों को, वो फुल दे देता है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, जो डैमेज हो जाते हैं आपके बाल। इसे सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताऊं, अगर आपके बाल 2 मुँह के हो रहे हैं फ्रेंड, तो आपको 2 मुँह के बालों के लिए मैं आपको एक और वीडियो बता दूँगी, 2 मुँह के बाल के लिए आपको क्या करना है, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, तो आप मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए, आपको 2 मुँह के बाल किस तरह से घर बैठे हुए ख़त्म करना है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी किस तरह से ख़त्म करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप 2 घंटे बाद धो सकते हैं, अगर नाइट को लगाते हैं तो आप सुबह धो लीजिए फ्रेंड, आपको 2 महीने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप इसको यूज़ करके देखिए, आपको रिजल्ट अच्छे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।